एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल ने अभी 1K सब्सक्राइबर हिट किए हैं, सो थैंक यू सो मच जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए। हाय बेबी। हाय। ओके, सो आज संडे है और संडे को हम लोग मोस्टली वीकेंड का जो भी हमारा रहता है, ग्रोसरी वगैरह लेने का काम रहता है, तो अभी हम जा रहे हैं गुई मार्केट वेजिटेबल खरीदने। और चलिए आपको भी अपने साथ ले चलते हैं। सो लेट्स गो। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और कोरिया में बहुत ठंड हो रही है। अभी यहाँ पे 2 डिग्री टेम्परेचर है। सो हम लोग अच्छे से पैक होके जा रहे हैं ठंड की वजह से। तो आज हम जहाँ हम जा रहे हैं गुई मार्केट, तो वो एक लोकल वेजिटेबल मार्केट है। वहाँ पे आपको अच्छी डील मिल जाती है, अच्छे प्राइस पे फ्रेश वेजिटेबल मिल जाती है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ मॉल में वेजिटेबल लेने जाओगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। सो लेट्स गो। ये देखिए क्रेन लगी है यहाँ पे सामने सामान शिफ्ट करने के लिए। टॉप मोस्ट 25th फ्लोर या राइट 25th फ्लोर तक सामान शिफ्ट कर। फॉल सीजन ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। ये कुछ एक पत्ते बचे हुए हैं पेड़ों पे, बाकी सारे पत्ते झड़ चुके हैं अभी। कोरिया में अगर आपको ट्रैवल करना है आइदर मेट्रो और बस, तो आपको एक कार्ड की जरूरत होती है, ट्रैवल कार्ड। इट लुक्स लाइक दिस। इसके लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लाइक ARC वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सब स्टेशन जाके वहाँ पे कुछ अमाउंट आपको देना होता है और आपको 1000 won में ये कार्ड मिल जाता है, और आप इसका रिचार्ज कर लीजिए और यू आर गुड टू गो। कोरिया में ट्रैवल मोस्टली बहुत एक्सपेंसिव नहीं है गाइस, चीप है। क्रिसमस की डेकोरेशन शुरू हो गई है। दिस इज़ टिकट वेंडिंग मशीन। यहाँ पे आप टिकट भी ले सकते हो और अपना ट्रैवल कार्ड जो है उसको रिचार्ज भी कर सकते हो। कार्ड यहाँ पे रखा तो ये दिखा देगा इसमें कितनी 50 के अमाउंट है। अब जैसे मुझे 10,000 का रिचार्ज करना है, मैं डाल दूँगा और यहाँ पे कैश इन सेट कर दोगे। कैश इन सेट कर दिया। यहाँ पे जब मेट्रो पहुँचने वाले गए तो यहाँ पे हमारा ये स्टेशन है, ठीक है। तो मेट्रो आने वाली जैसे तो दिख रहा है 2106 आ रही है जैसे ना। यहाँ पे आपको मेट्रो का पूरा आइडिया मिल जाएगा कितनी देर में आ रही है, राइट। यहाँ पे ये ओलिवियन का स्टोर है और ये है डाइसो का स्टोर। अभी हम डाइसो जाएंगे। से कुछ शॉपिंग कर लिया थोड़ी बहुत, मैं बुलेट जर्नल ढूंढने गई थी बट मुझे मिला नहीं वहाँ पे। सो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट जियांग मार्केट। ओके, आज इतनी शांत क्यों लग रही है, आधी शॉप्स बंद है आज यहाँ पे, ऐसा क्यों? इज इट सो? थोड़ा जल्दी आ गया है गैस ने। किमची की है, पूरा किमची दिख रही है यहाँ पे बल्क में।
these are all kind of rice cake. Wow, so colorful. गिर गिर खाना है ये? ये डेट्स के लड्डू हैं, डेट्स और नारियल के। I don't know. बैठ के खाओ एक जगह बैठ। अभी गिरिक को भूख लग रही थी तो हमने जो राइस केक के लड्डू लिए थे अभी वो खाना शुरू कर दिया उसने। ये वाली शॉप है, हम यहाँ पे आते हैं वीकेंड में शॉपिंग करने वेजिटेबल और फ्रूट्स की। यहाँ पे होलसेल प्राइस पे मिल जाती है हर चीज़ें और एकदम फ्रेश होती है क्वालिटी भी। दैट्स द शॉप। भी लगे हैं एकदम फ्रेश लग रहा है ना सारा। फाइनली हमने वेजिटेबल ले लिए और अभी हम वापस जा रहे हैं मेट्रो में। वापस आ गए हैं, घर जा रहे हम लोग। ये हमने डाइसो से कुछ शॉपिंग की थी, वॉशी टेप्स, ये कुछ रैपिंग पेपर एंड अभी विंटर्स आ रही है तो गिरिक के लिए हमने कैप और ये ईयरबड ले लिए हैं। दीज आर सम फ्रेग्रेंट कैंडल्स, शो मी लिप बाम और ये एक स्केच बुक लिया मैंने। ये हमने वेजिटेबल और फ्रूट्स लिए हैं, कीवी, ये सारी कीवीज हमें पड़ी थी 250 रुपए की। दिस वॉज फॉर 180 रुपीज, दिस वॉज फॉर 100 रुपीज, 250 के ऑरेंजेस थे, 80 रुपीज की ब्रोकली और ये दोनों का प्राइस जो था 120 रुपीज। आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कितने की वेजिटेबल मिल जाती है यहाँ पे। ये तीन पोमेग्रेनेट हमें मिले थे 300 रुपीज के, 3 मतलब 100 रुपी का एक पोमेग्रेनेट। ये कुछ हमने बेकरी भी खरीदी थी यहाँ से गाइस, तो ये हमें कुल मिला के 800 रुपीज के अराउंड पड़ गया थे सब चीज़ें। और ये गार्लिक ब्रेड बहुत टेस्टी है गाइस, अगर आप भी कभी कोरिया है तो इसको ज़रूर ट्राई करना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कोरिया में जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट्स का क्या प्राइस है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।